स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल आई टी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है और फर्स्ट ईयर की क्लास है। हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ रहे थे। मॉड्यूल नंबर 4 का नाम था कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से दो क्लासेस हो गई हैं। यानी दो क्लासेस में अपन लोग 30 क्वेश्चन कम्प्लीट कर चुके हैं। एक क्लास में आपको 15 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। कारण ये है कि थोड़ा लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए अपन 15 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि छोटी छोटी क्लासेस में अपन धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास चल रही है, फर्स्ट ईयर की अलग चल रही है, सेकेंड ईयर की अलग चल रही है। प्ले लिस्ट पर जाना, आप देख सकते हैं फोल्डर बने हुए हैं। फर्स्ट ईयर के नाम से प्ले लिस्ट, सेकेंड ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी जो सब्जेक्ट होती है, फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो और कोई भी ट्रेड हो, सभी में जो क्लास वो होती है, सब्जेक्ट होती है, ये सभी ट्रेड में कॉमन होती है। यानी इनके क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट ईयर में यदि कोई भी ट्रेड से हो, सभी ट्रेड में एक समान क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार सेकंड ईयर पे जो भी आप ट्रेड से हो, सभी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन सेम होते हैं। और ये क्वेश्चन निमी पैटर्न का है, यानी निमी मॉक टेस्ट है। आपने सुना होगा कि हर बार जो सीबीटी एग्जाम पेपर पे निमी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये पूरा के पूरा क्वेश्चन निमी पैटर्न पर आधारित है। निमी पैटर्न का ही है, वहाँ की पीडीएफ के क्वेश्चन उठाए गए हैं, आप भी देख सकते हो, पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हो आप। यदि आपको समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? एनी डिफरेंस पीपल वर्क टूगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड, एनी अलग अलग लोग हैं मगर काम एक ही है। एनी बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक लोग, बी लोग, सी डी, या पहले जैसे कि चार लोग हैं, मगर जो चारों का काम है, ये जो काम चारों का सेम है, क्या है? सेम है, काम एक ही है, मगर इस काम को करने के लिए चार व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टीम वर्क, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है मीटिंग, ऑप्शन डी है डिस्कशन यानी चर्चा। भाई अलग अलग लोग हैं मगर काम एक ही है, इस कार्य को बोला जाता है टीम वर्क। राइट आंसर इज ए नंबर सही होगा, क्या? टीम वर्क। टीम वर्क मतलब होता है कि एक टीम बनाई जाती है, अलग अलग लोग होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिसका काम एक ही होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, हमारा काम एक है उद्देश्य कि हम लोग पीडीएफ बनवाते हैं, बनाने वाला कोई और होता है, उसका मर्ज करने वाला कोई और होता है, पढ़ाने वाला कोई और होता है, मतलब इसी पीडीएफ में काम करने के लिए 3 से 4 लोग लगे हुए हैं। ऐसे चीजों को बोला जाता है टीम वर्क, या क्या बोला जाता है? टीम वर्क, या टीम वर्क ही बोल सकते हैं। ऐसे कामों को करने के लिए जिसमें से 3 4 लोग की जरूरत पड़ती है, काम एक ही होता है, इसको बोला जाता है टीम वर्क। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टीम वर्क की अवधारणा इसके महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। जो टीम वर्क की अवधारणा है, इसके महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब्स इम्पोर्टेंट ऑफ टीम वर्क, वही चीज है कि जो टीम वर्क की अवधारणा है, इसके महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। ऑप्शन ए है यूनिटी, ऑप्शन बी है तालमेल, ऑप्शन टी है सी है टीम, ऑप्शन डी है ग्रुप। क्या होता है कि टीम वर्क की अवधारणा का मतलब ही होता है कि हम कोई भी 4 5 लोग मिलकर कोई भी एक काम को कर रहे हैं, तो वहां पे तालमेल को बनाकर रखना चाहिए। यानी तालमेल को बनाकर रखेंगे, हमारा काम और अच्छे से होगा। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें से उलझ जाएं, आपस में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ गलत बातें होने लगे, ये नहीं होना चाहिए। आपस में बिल्कुल तालमेल बना होना चाहिए कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है। सभी लोग थोड़ा बैलेंस बना के काम करोगे, काम हो जाता है। इसको बोला जाता है सिनर्जी यानी तालमेल। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर है। क्वेश्चन 33 है, इसमें बोला गया है साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी, और क्या? वही बोला है कि शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इम्प्रूव्ड एंड, यानी कोई भी काम को हम साझा करते हैं, शेयर करके काम करेंगे, उसमें से क्या महसूस मिलेगी, क्या मदद मिलेगी और क्या मिल सकता है उसमें से? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी है सेड, ऑप्शन सी है मोटिवेटेड, ऑप्शन डी है क्लोज। जैसा कि सबको मालूम है कि कोई भी काम है, हम उसको शेयर कर देते हैं 3 4 लोगों में, और
फिर काम करते हैं तो उसमें एक थोड़ा मोटिवेट होंगे, अब काम जल्दी हो जाएगा और काम सरल हो जाएगा, अब हम अपने घर थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, वही होता है। तो इस चीजों को बोला जाता है मोटिवेट, ना कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं, ना तो सैड होने की, दुखित होने की जरूरत नहीं, ना तो क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मोटिवेट होते हैं, क्या होता है जब हम तीन चार लोग एक ही काम को शेयर कर लेते हैं आपस में तो काम थोड़ा बट जाता है, जल्दी हो जाता है, ऐसे में थोड़ा हम लोग मोटिवेट होते हैं। राइट आंसर ये सिनेमा परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बोला गया है राम विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए, वहां पे ज्योग्राफी का एक प्रोजेक्ट मिला है, पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार साझा कर रहे हैं, राम और संदीप को क्या करना चाहिए। क्या हुआ है, राम है, विनय है और संदीप है, तीन व्यक्ति है। यहाँ पे राम भैया है, यहाँ पे राम भैया है, यहाँ पे विनय भैया है, यहाँ पे संदीप दादा है। आर वर्किंग एज द टीम इज फिनिश्ड द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, उनको तीनों लोग को मिला है एक ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट और उनको फिनिश करना है, खत्म करना है। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, विनय कुछ थॉट्स शेयर कर रहे हैं जिसमें से क्या करना चाहिए राम और संदीप को क्या करना चाहिए वहां पर। जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है लिस्टेड एक्टिविटी सक्रियता से सुने, ऑप्शन बी है प्ले क्या खेलने लगेंगे, ऑप्शन सी है क्या स्कूल के चारों ओर घूमेंगे, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखो तीन व्यक्ति है, राम है, श्याम है, विनय भैया है, जिनमें से ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट मिला काम करने के लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विनय ने कुछ थॉट्स शेयर कर रहे हैं, कुछ वहां पे विचार साझा कर रहे हैं जिसमें से राम और संदीप को चुपचाप सुनना चाहिए, सक्रियता से सुने लिस्टिंग एक्टिविटी, यानी आराम से बैठ कर सुने कि विनय भैया क्या बातें बोलना चाह रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या वो साझा शेयर करना चाहते हैं, क्या विचार अपना शेयर करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्वेश्चन में ये है कि टीना है और लायरा है, टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही है। टीना लायरा की जो टीम है, टीना और लायरा की टीम है जो स्कूल में पेंटिंग के प्रोजेक्ट मिला है उस काम को पूरा करने के लिए काम कर रही है, पूरा करने में मिलकर काम कर रही है। परियोजना यानी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए। वही बोला है कि टीना एंड लायरा टीम आर वर्किंग टूगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग, मतलब टीना लायरा को एक प्रोजेक्ट मिला है, स्कूल की पेंटिंग का एक प्रोजेक्ट मिला है, अब उनको फिनिश करना है। व्हाट शुड बोथ द टीम्स डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट, परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीम को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन में विरोध करें, ऑप्शन बी है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी साझा करें, ऑप्शन सी है फाइट लड़ो, क्या लड़ाई करना चाहिए नहीं, बहस कोई मतलब नहीं बहस करने से। क्या है कि यदि आपको प्रोजेक्ट को पूरा करना है पेंटिंग को तो लायरा और जो टीना है दोनों को जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां साझा करनी पड़ेंगी, भैया आपको इतना काम करना है, दोनों लोग मिलकर इस पेंटिंग का काम पूरा करना है। राइट आंसर इज इसका बी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बोल रहा है कि दो समूह के लोगों के बीच वहां से असहमति लोगों को कहा जाता है। भाई दो व्यक्ति हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं या असहमति है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड, दो समूह के लोगों के बीच बहस या असहमति लोगों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टीम वर्क, बिल्कुल नहीं, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, ऑप्शन सी है हैप्पीनेस यानी खुशी, ऑप्शन डी है नॉन, यानी दो समूह के लोग के बीच बहस या असहमति चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है टकराव, क्या कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव। राइट आंसर इज बी नंबर परफेक्ट
किया जाएगा। क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं। हमारा 36 क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि कॉम्प्लेक्ट यूजली क्रिएट्स, टकराव आमतौर पर पैदा करता है। यानी हम लोग देखते हैं कि दो लोगों के बीच कब टकराव होता है, कब बहस होती है, कब झगड़े होते हैं, कब लड़ाइयां होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ना कुछ, भाई तीसरा कोई बोला होगा कि भाई आपको वो ऐसा बोल रहा है, राम ऐसा बोल रहा है राजेश को, भाई हमें बोल दिया वो कि आपको ऐसा बोला, हम गए उससे लड़ने लगे। कहीं ना कहीं मूर्खता है कि हम किसी तीसरे के कहने पर हम दूसरे से लड़ने लगे। ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारी गलत सोच है। तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इसका जो राइट आंसर होगा कि नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावनाएं। हमारी जो गलत सोच है, हमारी गलत भावनाएं के कारण हम दूसरे व्यक्ति से गए उलझ बाजे, बहस करने लगे, गलत बातें कर रहे हैं, टकराव कर लिए। इसका राइट आंसर ये ए नंबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि टकराव आमतौर पर पैदा करता है। सबको मालूम है कि जो नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव इमोशनल के कारण ही तो व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़े करता है। ठीक, 37 की ओर चलते हैं। 37 इसको 37 कर लेना, कोई बात नहीं, इसको 37 क्वेश्चन कर लेना। ये 30 हमारा 7 नंबर है, इसको आप लोग रिजेक्ट कर देना। क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस इफेक्ट, यानी जो कार्यस्थल पर टकराव को प्रभावित करता है। जहां पर हम लोग काम करते हैं, काम करते समय हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, टकरा गए, बहस कर रहे हैं, तो इसमें काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई जो वर्क है, जो काम करने गए उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कहीं चार मजदूर काम कर रहे हैं, पता चले कि वो मजदूर आपस में लड़ बाजे, भाई हमारा काम तो डिले होगा ना, नुकसान तो हम मालिक को है, वो मजदूर आपस में लड़ रहे हैं। तो एक बोला कार्यस्थल पर टकराव किसको प्रभावित करता है। पहला है एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता को, गेट मोर सैलरी कोई मतलब नहीं, कार्यालय सफाई कोई मतलब नहीं, कॉमन नहीं, सामान्य मतलब नहीं, काम करने की क्षमता। यानी आज हमारा काम ये था कि हमने 100 क्वेश्चन को डिजाइन करना था, 100 क्वेश्चन बनाना था, पता चला कि दो व्यक्ति आपस में लड़ गए, दोनों टीचर आपस में लड़ गए, जिसके कारण हमारे 85 क्वेश्चन बन पाए, मतलब काम करने की क्षमता तो घट गई ना। यही चीज है कि हम जब कार्य स्थल पर टकरा जाएंगे, टकराव होगा, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा तो वो पड़ेगा काम पर, यानी वर्क पर, उसकी क्षमता कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। राइट आंसर ए नंबर होगा। फिर से 37 आ गया, 38 इसको कर लेना भैया, इसको 38 कर लेना। क्वेश्चन हमारे साहब ने गलत डिजाइन किया इस बार। क्वेश्चन नंबर ये है कि जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों सूरज से मिलना था शुक्रवार को। रीना और नगम, जेम्स ने सूरज को बुलाया, यानी फोन करके उनको बुला लिया, मगर रीना लेकिन उसे नगम को इसकी जानकारी नहीं दी, नगम को फोन ही नहीं किया। एक बार और पढ़ो, जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों, जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों सूरज से मिलना था, सूरज से मिलना था, मगर शुक्रवार को रीना और नगम, जेम्स ने सूरज को बुलाया, जेम्स ने रीना को, निगम को फोन किया, बुला लिया, मगर उन्हें ने नगम की जानकारी नहीं दी। ये जो किसका उदाहरण है, ये एक जो एग्जांपल है, ये कहीं ना कहीं अपने पुअर यानी खराब संचार की है, या गरीब संचार बस आ सकते हो, मतलब गलत कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं इन लोगों से गलती हो गई, फोन लगाने में छूट गया। तो ऐसे जो चीज होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं, जिनको बोला जाता है पुअर कम्युनिकेशन यानी गरीब संचार। राइट आंसर ये ए नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये 39 रहेगा, ठीक, इसको आप क्रॉस कर देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला कि श्वेता और रक्षित सहकर्मी है, श्वेता और रक्षिता एक सहकर्मी है, सहकर्मी यानी होता है कोवर्कर, यानी दोनों साथ में काम करते हैं। वे हैं एक दूसरे से नाराज, वे एक दूसरे से नाराज हैं, भाई एक दूसरे से ये गुस्से में हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा किया। भाई नाराज क्यों है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था उसको ठीक से पूरा ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने नाराज है। जो एक अच्छा तरीका है कार्यस्थल पर ऐसे झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, क्या करना पड़ता है। ऑप्शन ए जैसे दिया है, रिमूव मेंबर,
मेंबर को निकालने से यानी सदस्यों को निकालने से हमारा मैटर नहीं सुलझेगा। ऑप्शन बी है कि फाइंड डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी समस्या को हल करने के अलग तरीके खोजने पड़ेंगे। राइट आंसर ये बी नंबर परफेक्ट होगा। जो समस्या है उस समस्या के हल करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक अलग से हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा, अलग से एक हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 30वां है, ये क्वेश्चन है निगेटिव कमेंट, निगेटिव कमेंट मेड अबाउट और एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, यानी हमारे कार्य के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियां प्रदर्शन को कहा जाता है। हमारे जो कार्य हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इसमें से कोई यदि गलत बोलता है, गलत यानी नकारात्मक जो टिप्पणी की जाती है, प्रदर्शन को क्या कहा जाता है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब कोई बोले कि राजेश सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, ये पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, वही चीज है कि हमारे जो कार्य के बारे में की गई नकारात्मक यानी निगेटिव बातें करना, इसको जो होता है इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा, ऑप्शन बी है कांग्रेचुलेशन यानी बधाई करना, ऑप्शन सी है आलोचना करना, ऑप्शन डी है पुरस्कार। अब ऐसे जो चीजें होती है कि किसी के बारे में हम नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, इन चीजों को बोला जाता है आलोचना। राइट आंसर इजे सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन ये है यदि किसी व्यक्ति को कठोर अनुचित और बहुत नकारात्मक प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति है उसको कठोर अनुचित और बहुत नकारात्मक प्राप्त होता है, आलोचना से वे बहुत दुखी महसूस करते हैं, किस प्रकार का आलोचना है। वही बोला है कि इफ ए पर्सन रिसीव्ड हर्स अनफेयर एंड वेरी निगेटिव क्रिटिसिज्म दे फील वेरी हैप्पी, व्हाट टाइप ऑफ द क्रिटिसिज्म इट दिस, किस प्रकार का आलोचना है। पहला दिया है सहायक आलोचना यानी हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, बी दिया फेयर क्रिटिसिज्म यानी निष्पक्ष आलोचना, सी दिया है अनफेयर क्रिटिसिज्म यानी अनुचित आलोचना, डी दिया है नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी नंबर होगा, अनुचित आलोचना। इस तरह की जो आलोचना होती है, किसी को कठोर लग रहा है, बुरा लग रहा है, अनुचित लग रहा है, कोई निगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे बातों को अनुचित आलोचना कहा जाता है कि आप गलत तरीके से किसी को टॉर्चर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन जो हमारा 41 है ये है आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति और रहना चाहिए। भाई जब कोई हमें आलोचना कर रहा है तो हमें व्यक्ति के प्रति कैसे रहना चाहिए। पहला लिखा है हैप्पी एंड जॉयफुल खुश और हर्षित, ऑप्शन बी है क्लेम एंड लिस्टिंग शांत और सुने, तीसरा है शॉर्ट एंड कैरी चिल्लाओ और रो कोई मतलब नहीं, फाइट एंड कैरी लड़ो और रो। तो यहाँ पे यदि आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है, आलोचना गलत कर रहा है, निगेटिव बातें बोल रहा है, तो वहां पर आप लोगों को शांत और सुनना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, शांत और सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनते रहो आप, बोलते रहो भाई जितना बोलते हो, शांत और सुनते रहें। इस तरह के आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। 42 की ओर चलते हैं। 41 के बाद 44 आ रहा है, बताओ। चलो ठीक, क्वेश्चन आप थोड़ा समझ जाना, कहीं ना कहीं सीरियल नंबर गलत हो गया। यदि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है कठोर अनुचित और बुरा नकारात्मक प्राप्त होता है, आलोचना से बहुत दुखी महसूस करते हैं, किस प्रकार का आलोचना है। ये जो आलोचना है अनुचित आलोचना है, ये क्वेश्चन एक ऊपर भी आ गया था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि किशोर के मैनेजर ने उन्हें पॉजिटिव और निगेटिव बताया, कुछ पॉजिटिव बातें बताई, कुछ निगेटिव बातें बताई। किशोर उलझन महसूस कर रहा है भाई, उसको लग रहा है कि ये सब फंसाने वाली चीजें हैं, उसे क्या क्या उसे आगे करना चाहिए। अब वहां पे बोला है क्लेम डाउन एंड थिंक, शांत हो जाओ और सोचो। ऑप्शन बी बोला कि मैनेजर द्वारा बताए गए पॉजिटिव, मैनेजर जो आपको बताया है उसकी पॉजिटिव
बिंदुओं को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मैनेजर द्वारा बताए गए नकारात्मक बिंदुओं का समझने का प्रयास करना, कोई मतलब नहीं भाई, हम नकारात्मक बातें को समझ के क्या करेंगे। हमें यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर करना है, मैनेजर जो भी बातें किया है उसकी जो पॉजिटिव बातें हैं उसको समझने की कोशिश करना है। 45 का सी नंबर राइट आंसर होगा। ये अपने मॉड्यूल नंबर 4 का यानी 45 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। ऐसा कुछ लगता है कि जो आपको नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करना, मैं दोबारा आप लोगों को फिर से बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।